अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असद बरोई व्लॉग्स के साथ मैं हूं असद बरोई। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज मेरे पास हैं तीन मुख्तलिफ ब्रीड। एक है ये पिटबुल और दूसरी है ब्रीड ये अमेरिकन बूली पॉकेट साइज। ये है मेरे पास बूली बुलटेर। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन तीनों ब्रीड्स के बारे में, डिफरेंस बताऊंगा इन तीनों ब्रीड्स का कि इन तीनों ब्रीड्स में क्या फ़र्क है। देखें फ्रेंड्स, ये जो अमेरिकन बूली और पिटबुल होते हैं इनमें ज़्यादातर फ़र्क नहीं होता। ये सारे, अब मैंने आपको बूली बुलटेर बताया या अमेरिकन बूली बताया या मैंने आपको पिटबुल बताया, सारे ये देखने में सेम होते हैं। मैं आपको इनका फ़र्क बताऊँ कि अब ये पिटबुल फीमेल है, ये पिटबुल फीमेल मेरे पास जो है पॉकेट साइज़ में, साथ में ये अमेरिकन बूली हैं ये भी पॉकेट साइज़ में, और जो ये बूली बुलटेर है ये लार्ज साइज़ में। देखें, बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जी पिटबुल और अमेरिकन बूली तो सेम होते हैं और देसी बूली भी उनकी तरह ही होता है, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताता जाऊँ कि क्या फ़र्क होता है। कि देखें, ये जो पिटबुल फीमेल है ये आपके सामने, दोनों ये अमेरिकन बूली है और ये पिटबुल है, इनमें फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये अमेरिकन बूली का हेड साइज़ बड़ा है, चेस्ट जो है चौड़ा है और थोड़े से मतलब हैवी साइज़ के। और अगर आप देखेंगे इस पिटबुल फीमेल को, तो पिटबुल फीमेल का फेस भी कम है और चेस्ट भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हालांकि साइज़ वगैरह, हाइट, साइज़ सब सेम है, बस थोड़ा सा जो है ना कि जिसामत का फ़र्क है, हेड का फ़र्क है और चेस्ट का फ़र्क है। और उसके बाद इनका जो है ना कि देखें आप, चेहरे भी एक जैसे हैं, हर चीज़ एक जैसी है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आ जाएँ आप देसी बूली की तरफ। देसी बूली बहुत बड़े साइज़ का होता है, बूली बुलटेर थोड़ा सा उससे कम साइज़ का होता है। अब ये जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है ये तकरीबन 7 से 8 महीने या 6 महीने के लगभग ये बच्चा है, और इसका आप साइज़ देखें कि ये सारे बच्चे लग रहे हैं इसके सामने, चाहे ये अमेरिकन बूली हैं, ये अडल्ट अमेरिकन बूली है, पिटबुल अमेरिकन पिटबुल भी अडल्ट है, लेकिन इसके सामने ये बच्चे लग रहे हैं। वजह यह है कि ये जो साइज़ होता है ये बहुत बड़ा होता है, और इस ये तकरीबन 32 से 34 इंच तक चला जाता है। 34 इंच के बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते बूली, 32 इंच तक के मिल जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत लंबे चले जाते हैं, बहुत बड़े हाइट के होते हैं। तो इनमें डिफरेंस यही है, इनका हेड साइज़ भी बड़ा होता है और ये साइज़ में बड़े होते हैं। अब ये जो अमेरिकन बूली है, अमेरिकन बूली में ये पॉकेट साइज़ भी होता है, स्टैंडर्ड साइज़ भी होता है, और उसके बाद अमेरिकन बूली में एक्सल साइज़ भी होता है और डबल एक्सल भी होता है, इसी तरह पिटबुल में भी है। और अगर हम देखें, अगर देखा जाए तो ये सारे साइज़ अगर सेम साइज़ के सामने खड़े करें, पिटबुल या अमेरिकन बूली, तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। बस हेड का फ़र्क होता है और चेस्ट का फ़र्क होता है, चेस्ट ज़रा ज़्यादा चौड़ा होता है, थोड़े से मस्कुलर डॉग होते हैं। अच्छा, अमेरिकन पिटबुल जो होते हैं, अमेरिकन पिटबुल में भी दो तरह के पिटबुल्स होते हैं, एक शो क्लास और दूसरा जो है फाइटर लाइन के होते हैं। जो फाइटर लाइन के होते हैं वो आपको स्लिम से नज़र आएंगे, एलिगेटर फेज़ में होंगे, वो फाइटर लाइन के होते हैं, फाइटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ़ाइट कराई जाती है उनकी। जो शो क्लास होते हैं उनका हेड साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और थोड़े से हैवी होते हैं, खूबसूरत से होते हैं, गोल मटोल। और अमेरिकन बूली जो है, अमेरिकन बूली वैसे तो मैंने सुना है कि उसमें भी, उसको भी फ़ाइट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। एक आधी मैंने कोई चाइना की वीडियो थी वो देखी थी, जो पॉकेट साइज़ के अमेरिकन बूली को फ़ाइट में इस्तेमाल कर रहे थे और ठीक ठाक फ़ाइट कर रहा था। लेकिन जो यहाँ पर बेसिकली मैंने पाकिस्तान में देखे हैं, ज़्यादातर कराची में देखे हैं, तो ये खूबसूरत होते हैं, शो क्लास होते हैं, ज़रा हैवी वैसे बिल्डर टाइप के होते हैं, कट्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो पॉकेट साइज़ के यहाँ पर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ के नॉर्मल, मतलब बहुत से लोग स्टैंडर्ड साइज़ के पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ मैंने देखा है पॉकेट साइज़ के पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे से होते हैं, चेस्ट वगैरह चौड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है, तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब आ जाएं बूली बुलटेर पे और बूली पे। अब बूली बुलटेर का ये होता है कि बूली फाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर उसको जो है ना कि लोग लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो बूली बुलटेर है, अब बुलटेर की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है जब ये इनकी लड़ाई होती है तो, और बूली की हाइट ठीक ठाक होती है, तो बूली बुलटेर को क्रॉस कराकर इसको फाइट के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको इसीलिए क्रॉस कराया जाता है। मैं तो वैसे फ़ाइट कराने को पसंद नहीं करता, और
मुझे पसंद नहीं है फाइट, लेकिन ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये जैसे मैंने आपको बुली बुलडेयर का बताया कि इसको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, बुलडेयर की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है और उसका साइज़ बड़ा होता है बुली का, इसीलिए इसको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। अब आ जाएँ बुलडेयर को एक और डॉग से भी क्रॉस किया जाता है, मेरे पास वो डॉग नहीं है, वो ताज़ी डॉग होता है, ताज़ी डॉग के साथ इसको क्रॉस किया जाता है बुलडेयर को। वो इसलिए होता है कि वो जो है ना कि जंगली सुअर वगैरह का शिकार करते हैं तो उसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है शिकार के लिए। बुलडेयर की पकड़ ज़्यादा होती है, ताज़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ताज़ी और बुलडेयर को क्रॉस करके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सुअर के शिकार के लिए। उसके बाद फिर अगर ताज़ी खाली होता है तो ताज़ी को खरगोश के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्रीड्स हैं मैं इनको इनके बारे में आपको बता रहा था तो मैं ताज़ी और उसकी तरफ चला गया। तो ये थी आज की वीडियो अमेरिकन पिटबुल, अमेरिकन बूली और देसी बूली बुलडेयर और पाकिस्तानी बूली पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।